85 दिन की जंग के बाद सामने आया रूस का नया प्लान। डीपीआर को रूस में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। डीपीआर के नेता ने रूस में शामिल करने का दावा किया है। मॉस्को ने डीपीआर को रूस में शामिल करने के मुद्दे पर काम शुरू भी कर दिया है। पुतिन ने पहले डीपीआर को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया था। पूरे 85 दिन लग गए, आखिरकार रूस ने नेटो के खिलाफ अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के इरादे से डीपीआर पर अपने कब्जा पूरा करने का दावा कर दिया है। डीपीआर पर कब्जे के बाद मॉस्को तक अमेरिका समेत नेटो सैनिकों की पहुंच के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। अब डीपीआर को रूस में विलय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको याद होगा कि युद्ध की शुरुआत से पहले पुतिन ने डीपीआर को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद घटनाक्रम बदले और यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिशों के बाद बारूदी जंग शुरू हो गई थी। बहरहाल डीपीआर पर कब्जे का दावा अजोविस्टल स्टील प्लांट पर जीत के बगैर अधूरा था। जहां बंकरों से बारूदी वार थम गए हैं, हालात बदले हैं। डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक के लीडर की माने तो अजोविस्टल के बंकरों में अब भी करीब 1000 यूक्रेन नागरिक मौजूद हैं। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्राथमिकता के तौर पर घायल और बीमार अजोव सैनिकों और लोगों को यहां से बाहर निकालने की कार्रवाई जारी है। सामाजिक और कूटनीतिक दृष्टि से डीपीआर पर कब्जा पुतिन के सपने कुछ हद तक पूरे होने जैसा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।